हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। एंड आज हम टेंसेस में करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का कॉम्बिनेशन। आपको याद होगा इससे पहले हमने पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को पूरा डिटेल में पढ़ा है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, कल हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को पढ़ा था। तो क्या हम ये मान लें कि अब प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया? जी नहीं, अभी पिक्चर बाकी है। क्या करेंगे अब हम? अब हम सभी प्रेजेंट को मिलाकर एक इसका कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं जो आपको आमतौर पे गूगल पे या किसी बुक में मिलता नहीं है। बड़ा आज आप समझेंगे ये कितना खास है और एग्जाम में यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो तो है ही है। इंग्लिश बोलने में कितनी इसकी इंपॉर्टेंस रहती है, यू विल सी दिस। कम ऑन, स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज, हम कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज में क्या होता है, जैसे कि देखिए कि ये सेंटेंस है आपके सामने। यहाँ मैं आपको कहता हूँ जी, डॉक्टर के आने से पहले रोगी टीवी देख रहा है ना। अभी तक आप क्या करते थे? अभी तक आप डॉक्टर के आने से पहले रोगी को मार दिया करते थे। बट आज हम इसे मरने नहीं देंगे। हम क्या कह रहे हैं? रोगी टीवी देख रहा है, ये कौन सा टेंस है? रोगी टीवी देख रहा है। आप बोलेंगे जी रहा है, रही है, रहे हैं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही है। बट बात यहाँ पर ख़त्म होती नहीं है। ये देखिए, अब कह रहे हैं जी डॉक्टर के आने से पहले, ये कौन सा टेंस है? ये आपको पता लगाना है। लगाइए, कमेंट करके बताइए ये कौन सा टेंस है। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बट ये कौन सा है? इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है? ये दुनिया का सबसे इजी टेंस है, पता है कौन सा? नो टेंस, ये कोई टेंस ही नहीं है। कैसे? अरे भाई, ये सेंटेंस ही खत्म नहीं हो रहा। इवन ये तो सेंटेंस ही नहीं है। सेंटेंस यानी कि वाक्य की परिभाषा क्या होती है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सेंटेंस? शब्दों का वो समूह जो कुछ मीनिंग दे। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस सम मीनिंग। क्या इसको कोई मीनिंग निकल रहा है डॉक्टर के आने से पहले? और यही विशेषता है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस की। इसमें एक पार्ट तो पूरा कंप्लीट है जिससे देख के आप बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, और ये डॉक्टर के आने से पहले ये कंप्लीट ही नहीं है अपने आप में। इसमें आप बता भी नहीं पा रहे हैं कि ये कौन सा टेंस है। तो आइए देखते हैं रूल क्या है। रूल ये है, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज में, आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में कर रहे हैं हम क्या, एक कंप्लीट पार्ट होता है और एक इनकम्प्लीट पार्ट होता है। कंप्लीट पार्ट में हम यूज करेंगे सेम टेंस। सेम का मीनिंग है जो भी हिंदी है उसकी सेम इंग्लिश। इनडेफिनिट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। बट ये जो इनकम्प्लीट पार्ट है ना, इसमें हमें यूज करना होगा प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। ओके, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, और इसे जोड़ देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा एकदम परफेक्ट। कैसे? आइए अब हम इसी के रूल को, इस रूल को फॉलो करते हुए इंग्लिश बनाते हैं इन सेंटेंसेस की। हम कह रहे हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी टीवी देख रहा है। अभी अभी आपने बताया कि रोगी टीवी देख रहा है तो कॉन्टिन्यूस है, और डॉक्टर के आने से पहले हमें कौन सा बनाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इस पार्ट की इंग्लिश पहले बनाओ, चाहे आप इस पार्ट की इंग्लिश पहले बनाओ। इट्स योर टर्न, इट्स योर चॉइस, इट्स योर कॉल। बट मैं आपको राय दूंगा कंप्लीट पार्ट की पहले बनाया करो। तो आइए बनाते हैं इसकी इंग्लिश क्या। रोगी टीवी देख रहा है, द पेशेंट इज वॉचिंग टीवी। कब? डॉक्टर के आने से पहले। यहां हमें बनाना है प्रेजेंट डेफिनेट, बिफोर द डॉक्टर कम्स। ये हो गया हमारा पूरा सेंटेंस। बिफोर द डॉक्टर कम्स से भी आप सेंटेंस शुरू कर सकते थे, और यहां से कर दिया। बात एक ही, सेंटेंस को अच्छी तरह देखिए। द पेशेंट इज वॉचिंग टीवी बिफोर द डॉक्टर कम्स। आप चाहे तो इस पार्ट से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर कम्स द पेशेंट इज वॉचिंग टीवी इज ऑल्सो करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, अच्छा एक और देखते हैं जी। डॉक्टर के आने से पहले रोगी टीवी देख चुका है। अब देखिए, रोगी टीवी देख चुका है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर का बनाया था, द पेशेंट has
वॉच टीवी. द पेशेंट हैज वॉच टीवी. कब? रुक, डॉक्टर के आने से पहले. बिफोर द डॉक्टर कम्स. ठीक है जी. ये देखिए बिफोर द डॉक्टर कम्स और यहां भी बिफोर द डॉक्टर कम्स, वो तो सेम ही है. इनकम्प्लीट पार्ट प्रेजेंट डेफिनेट. चेंज हमने किया कंप्लीट पार्ट को क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस में था और ये परफेक्ट में था. इसे देख लीजिए अच्छी तरह. आपके सामने दोनों सेंटेंसेस हैं. आराम से समय लेकर इन्हें नोट कीजिए. यू हैव टू नोट डाउन. कम ऑन, मैं पीछे हो जाता हूँ स्क्रीन से. आराम से सेंटेंसेस को देखिए, लिखिए. कोई डाउट है तो कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं, नहीं है तो इट्स ओके. गुड, ठीक है जी. लिख लिया, पक्का चले आगे. ओके डन. अब आते हैं इस पर. ये देखिए कह रहा है डॉक्टर के आने से पहले रोगी टीवी देखता है. ताहे मीन्स प्रेजेंट डेफिनेट और ये इनकम्प्लीट पार्ट है. डॉक्टर के आने से पहले ये तो मैं बनाना ही प्रेजेंट डेफिनेट है, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों हो गए प्रेजेंट डेफिनेट. बना देते हैं कैसे. रोगी टीवी देखता है. द पेशेंट वॉचेस टीवी. कब? बिफोर द डॉक्टर कम्स. अगर आप लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख लेना. बट पूरी स्क्रीन को देखिए, तीनों सेंटेंसेस को देखिए, तीनों में कॉमन क्या है इनका? इनकम्प्लीट पार्ट, डॉक्टर के आने से पहले. एक में इंडेफिनिट है, एक में कॉन्टिन्यूस है, एक में परफेक्ट है, बस यही फर्क है. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं इन सेंटेंसेस को. एंड नाउ देखिए 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 डन. क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आइए कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाते हैं. कुछ और सेंटेंसेस की इंग्लिश बनाएंगे 4, 5 and 6 की भी. देखिए डॉक्टर के आने से पहले रोगी 2 घंटे से टीवी देख रहा है. कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. कैसे बनाएंगे? द पेशेंट हैज बीन वॉचिंग टीवी. कब से? 4 2 hours. कब से? डॉक्टर के आने से पहले. Before the doctor comes. Before the doctor comes. Correct. ठीक है जी. तो ये बन गए हमारे sentences. अब ये देखिए जी, नंबर 5 में क्या कह रहे हैं? बारिश होने से पहले बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं. बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं, ये कंप्लीट पार्ट है. अब आपको समझ आ गया होगा कंप्लीट पार्ट क्या है, इनकम्प्लीट क्या है. तो बच्चे फुटबॉल खेल चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. आइए इसकी इंग्लिश बनाते हैं. चिल्ड्रन हैव प्लेड फुटबॉल. कब? बारिश होने से पहले. Before it rains. Before it rains. बारिश होने से पहले. ओके. और एक और सेंटेंस, मैं पीछे हो जाता हूं, आप इन्हें आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका या लिख लीजिए इन्हें. कम ऑन. ठीक है, अब आता है अगला सेंटेंस. सूर्योदय होने के बाद राजू पार्क जाता है. तो राजू पार्क जाता है प्रेजेंट डेफिनेट है. बना देते हैं कैसे. राजू गोज टू पार्क
सूर्योदय होने के बाद, ये प्रेजेंट डेफिनेट में बनाना है कैसे, आफ्टर द सन राइजेस, आफ्टर द सन राइजेस, तो ये हो गए हमारे सेंटेंसेस तैयार। ओके, देखिए और बनाइए, कुछ क्वेश्चन है जरूर पूछिएगा बीच बीच में, अगर आपको लगे कि पूछने हैं जरूर पूछिएगा। ओके, तो कैन वी प्रोसीड नाउ, बढ़ते हैं हम आगे, बिल्कुल बढ़ना चाहिए। नाउ हमारा अगला सेंटेंस, कुछ और सेंटेंसेस भी लेंगे हम, अराउंड 9 सेंटेंसेस, तो 3 और लेते हैं। ये देखिए, पिताजी के आने के बाद बच्चे पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट पार्ट क्या है, बच्चे पढ़ाई शुरू कर देते हैं, ये है कंप्लीट पार्ट। हाँ, और ये इनडेफिनिट टेंस में है, तो कैसे बनाए जी, चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग, चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग कब, आफ्टर देयर फादर कम्स, आफ्टर द फादर कम्स चिल्ड्रन स्टार्ट स्टडिंग। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कभी भी स्टार्ट आता है ना, स्टार्ट के बाद आपको अगर फर्स्ट टर्म आई आ रही हो तो उसमें आईएनजी लगाना जरूरी होता है, स्टार्ट स्टॉप आफ्टर बिफोर, और ऐसा हम प्रेपोजिशन में भी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये देखिए जी, बारिश होने के बाद क्या आप कपड़े धोते हैं। अब ये पार्ट को अगर आप देखें, ये पार्ट है क्या आप कपड़े धोते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है परंतु इंटरोगेटिव सेंस में है, क्या से शुरू हो रहा है, यानी कि आपकी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। तो क्या आप कपड़े धोते हैं, पहले इसकी इंग्लिश बनाते हैं, कैसे बनाए जी, डू यू वॉश क्लोथ्स कब, बारिश होने के बाद, आफ्टर इट रेन्स, डू यू वॉश क्लोथ्स आफ्टर इट रेन्स, करेक्ट जी। ओके, और एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं, सूर्योदय होने से पहले कौन गाना गाता है, कौन नहीं कौन है ये, है ना, कौन गाना गाता है, ये रहा है, तो कैसे बनाएंगे जी, हु Who is singing a song? कब, सूर्योदय होने से पहले, before the sun rises. Before the sun rises, सूर्योदय होने से पहले। ओके, तो ये बन गए हमारे 9 sentences। इन्हें अच्छी तरह देख लेंगे हम, कंप्लीट पार्ट और इनकम्प्लीट पार्ट को देखते हुए इस रूल को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, ये था हमारा प्रेजेंट टेंस, बट अभी हम कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करा रहे हैं आपको, अराउंड 8-10 सेंटेंसेस को देखते हैं हम, कि जब एग्जाम में ये सेंटेंसेस आते हैं तो आप कैसे पता लगाएंगे कि किस पर्टिकुलर पार्ट में एरर है और क्या एरर है, वो यही सब रूल्स हैं जो हमने पढ़े। तो आइए देखते हैं इन रूल्स को। ये रही एक्सरसाइज, देखिए बच्चों यहां पर ना एक सेंटेंस है आपके सामने, दो सेंटेंसेस हैं, मैं पहले सेंटेंस की बात कर रहा हूं, सेंटेंस नंबर 1, आई थिंक ही, ये ए पार्ट है, फिर स्लैश लगा है, इज गोइंग, ये बी पार्ट है, फिर स्लैश लगा है, टू ऑफिस डेली, सी, ये सी पार्ट है, और यहां लिखा है डी पार्ट में नो एरर। आप इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए
और फिर पता लगाइए कि क्या इसमें कोई एरर है ग्रामेटिकली, क्या कोई गलती है। अगर नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा नो एरर डी पार्ट। बट अगर आपकी एरर है तो कौन से पार्ट में है पहले तो वो पता लगाइए कि ए में है, बी में है, सी में है, और क्या एरर है, मतलब उसे कैसे सही करना है अगर वो गलती है तो अमेंड करेंगे सभी मिस्टेक्स एरर्स को। देखिए आपके सामने दो सेंटेंसेस अच्छी तरह देख लीजिए, मैं हट जाता हूँ फिलहाल, यहाँ मैंने नो एरर लिखा था आपको बताने के लिए। देखिए जी, सेंटेंस नंबर वन क्या कह रहा है, आई थिंक इज गोइंग टू ऑफिस डेली, और सेकेंड नंबर सेंटेंस में क्या कह रहा है, डोंट बी स्टूपिड यू आर नोइंग आई डोंट केयर फॉर मनी एट ऑल। फाइन, आप देख पा रहे हैं इन सेंटेंसेस को। अब देखिए हम बताते हैं कैसे इसे करेक्शन करते हैं। देखो कह रहा है आई थिंक, मैं ऐसा सोचता हूँ, ही इज गोइंग, ये भी सही लग रहा है मुझे, टू ऑफिस डेली, ये डेली आ गया, गड़बड़ है जी। डेली कहता है रोज, और रोज जब अपने कीवर्ड्स आपको याद होंगे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ओर इशारा कर रहा है, तो यहां पर जो इज गोइंग है ना वो गलत है, इज गोइंग की जगह क्या होना चाहिए, ये एरर पार्ट है, ये एरर पार्ट है इज गोइंग, यहां पर बी पार्ट में एरर है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, गोज, आई थिंक ही गोज टू ऑफिस डेली, ये है करेक्ट इंग्लिश, ओके, आई थिंक ही गोज टू ऑफिस डेली, तो आपकी एरर है बी पार्ट में, और क्या एरर है, इस गोइंग का करना था गोज, क्यों करना था, क्योंकि जब डेली आता है तो ये वो कीवर्ड्स हैं जो आप देख रहे हैं कि आपको करना पड़ेगा ऐसा, ओके। आइए सेंटेंस नंबर टू को देखते हैं, कह रहे डोंट बी स्टूपिड यू आर नोइंग आई डोंट केयर फॉर मनी एट ऑल, तो जरा देख के बताइए आपको कुछ एरर लग रही है इस पार्ट में, इस सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस नंबर टू में क्या कोई एरर देख पा रहे हैं आप, डोंट बी स्टूपिड यू आर नोइंग आई डोंट केयर फॉर मनी एट ऑल, जी हाँ मुझे दिख गई, यहां भी बी पार्ट में एरर है, यू आर नोइंग नहीं होगा, यू नो होगा, क्यों होगा, आपको याद होगा कुछ हमने स्टेटिव वर्ब्स किए थे, उन वर्ब्स के साथ हम आईएनजी फॉर्म यूज नहीं करते, मतलब उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ना बनाकर प्रेजेंट डेफिनेट में बनाते हैं, जैसे कि आई सी, आई हियर, आई अंडरस्टैंड, आई नो, आई बिकम, इनमें आईएनजी नहीं लगाते, तो वैसे यू आर नोइंग नहीं होगा, यू नो होगा, ये एरर थी। आपने दो सेंटेंसेस देखे और आपको हेल्प मिली उन्हीं सभी रूल्स की जो पिछले कुछ दिनों से हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आपसे कुछ और पूछते हैं, कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं हम जी। ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री, मजेदार क्वेश्चन, यहां मैं आपको देता हूं 30 seconds, तीनों सेंटेंसेस को अच्छी तरह देख लीजिए, फिलहाल मैं स्क्रीन से पीछे होकर इन्हें पढ़ता हूं। आई सा हिम कपल ऑफ टाइम्स सिंस अक्टूबर, ये थर्ड सेंटेंस है, अगर आपको लग रहा है कि इस पार्ट में कोई एरर है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हमारा आंसर डी, नो एरर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर फोर को देखिए, द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ हेमलेट कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन, बताइए जी यहाँ कुछ एरर लग रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपका आंसर डी हो जाएगा, करना पड़ेगा हमें नो एरर वाला। और फाइव नंबर सेंटेंस को देखिए, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एरर है तो सही है, नहीं तो फिर नो एरर करना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कहाँ पर कौन सी एरर है, ठीक है, आप चाहें तो साथ साथ कमेंट्स कर सकते हैं। सो आई सा हिम कपल ऑफ टाइम्स सिंस अक्टूबर, आपको याद होगा कल हमने एक रूल बताया था आपको, ये जो सिंस होता है ना या तो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में नहीं आता है, और ये आई सा हिम कपल ऑफ टाइम्स सिंस अक्टूबर, अक्टूबर से मैंने उसे कई बार देखा है, तो ये सॉ ए पार्ट में एरर है, ये गलत है, क्या होना चाहिए, यह होना चाहिए आई हैव सीन, आई हैव सीन इज करेक्ट इंग्लिश, आई हैव सीन इन कपल ऑफ टाइम्स सिंस अक्टूबर, मैंने उस अक्टूबर से कई बार देखा है, यह है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब सेंटेंस नंबर फोर को भी देख लेते हैं, देखिए कह रहे द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट ऑफ हेमलेट कंटेन द स्लीप वॉकिंग सीन, पता लगाइए क्या आपको याद आ रहा है, देखिए यहां भी एक प्रेजेंट, मैं आपको हिंट दे रहा हूं,
प्रेजेंट इनडेफिनिट की एरर है यहाँ पर। क्या? देखिए यहाँ पर हेमलेट क्या है, हेमलेट एक ड्रामा है शेक्सपियर का, है ना। तो हेमलेट का जो ड्रामा है उसके पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं कह रहा है, द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट। पांच पार्ट्स है तो पांचवें की बात कर रहा है। द फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट यानी कि वो एक ही पार्ट है, कंटेन, ये एरर है बी पार्ट में, क्या हो जाएगा, कंटेन्स हो जाएगा। द स्लीप वॉकिंग सीन, जो हेमलेट का पांचवा और लास्ट पार्ट है उसके अंदर स्लीप वॉकिंग सीन है, नींद में चलने वाला सीन है, तो कंटेन्स क्यों किया हमने, क्योंकि पार्ट तो एक ही है ना, चाहे वो फिफ्थ और फाइनल है बट पार्ट तो एक ही है ना। अगर ये दो पार्ट्स होते, अगर ये दो पार्ट्स होते तो फिर हम कंटेन ही रहने देते, बट ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसीलिए एरर थी आपकी चार नंबर के आंसर में, बी पार्ट में कंटेन का हमने कर दिया, कंटेन्स, करेक्शन हो गई। अच्छा अभी एक और देख लीजिए, हिज असिस्टेंट्स हैव एंड आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। क्या पता लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर कौन से पार्ट में एरर है? बहुत ईजी है वैसे, पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा होगा आपको, तो हम इसकी हिंदी करते हैं, उसके जो असिस्टेंट्स हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है और कर भी रहे हैं, तो किया है कि इंग्लिश हो गई जी हैव, बट हैव के साथ थर्ड फॉर्म तो नहीं है ना, इसीलिए आपका सही आंसर है ए पार्ट, क्योंकि ए पार्ट में एरर है। तो हम क्या करेंगे, हैव डन, यहाँ डन लिख देंगे, और फिर आगे कह रहा है एंड आर डूइंग, और कर भी रहे हैं। भाई हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं लगाई, आर के साथ डूइंग लगा दिया उसने, फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ये तो सही किया, यहाँ डन लगाना जरूरी था। तो इसलिए अब आपके पांच नंबर सेंटेंस में आप देख पा रहे हैं कि हैव के साथ डन कर दिया और आपके ए पार्ट में एरर थी। अभी तक बच्चों हमने किया पांच क्वेश्चंस को सॉल्व। कोई दिमाग में कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट है हम डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देख लीजिए अगला सेंटेंस, सिक्स एंड सेवन नंबर सेंटेंस, मैं एक बार इसे पढ़ता हूँ, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो इस सेंटेंस को नोट कर सकते हैं। कैटरीना कैफ इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, ये सिक्स नंबर सेंटेंस है, और सेवन इज रोमी हैज बीन वॉचिंग दिस मूवी थ्री टाइम्स। ओके हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो छः नंबर सेंटेंस देखिए एरर कहाँ है, कैटरीना कैफ इज हैविंग, यहाँ गड़बड़ है, स्टेटिव वर्ब्स है, आई एन जी के साथ नहीं आएंगे, कैटरीना कैफ थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हम इसे प्रेजेंट डेफिनेट में यूज करेंगे, कैटरीना कैफ हैज अ लार्ज फैन फॉलोइंग इज करेक्ट, ये सही है। ओके तो छह नंबर सेंटेंस में एरर है आपकी बी पार्ट में। और अब अगले क्वेश्चन की बारी है, ये देखिए रोमी हैज बीन वॉचिंग दिस मूवी थ्री टाइम्स, ये सेंटेंस गलत है, थ्री टाइम्स तीन बार उसने देखी है ये फिल्म, तो भैया हैज बीन क्यों लगा रहे हो, तो ये हम क्या करेंगे बी पार्ट में एरर, हमें पता चल गया यहीं पर एरर है। तो रोमी हैज वॉच्ड इज करेक्ट इंग्लिश, रोमी हैज वॉच्ड दिस मूवी थ्री टाइम्स, बी पार्ट में एरर है। हमने कर लिए हैं बातों ही बातों में सेवन क्वेश्चंस, पूरे प्रेजेंट टेंस को हम ले रहे हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर गड़बड़ हो रही है तो कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है। आइए जानते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, एंड नाउ द टाइम फॉर एट नाइन एंड टेन, ये लीजिए एट नाइन और टेन क्वेश्चन आपके सामने, मैंने एक बार पढ़ देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। दीपक इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, एट नंबर है ये। नाइन को पढ़ते हैं, ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ द लायंस क्लब फॉर 10 इयर्स, और 10 नंबर इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस प्रेजेंट यूनिवर्सल थीम्स फॉर ऑल ऑफ अस टू कंसीडर। एट नाइन टेन आप देख रहे हैं, एंड अब हम इसे करेंगे सॉल्व। पहले हम आपसे पूछते हैं आठ नंबर सेंटेंस में क्या एरर है, क्या पता लगा पाएंगे आठ नंबर सेंटेंस? बहुत सिंपल सा है, देखिए जब ये सिंस फॉर आ जाए ना टाइम के लिए, फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स, तो फिर हो जाता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और यहाँ इसने क्या बनाया, सो
सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, और इसने क्या बनाया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. तो दीपक इज वर्किंग इज रॉन्ग इंग्लिश. क्या होना चाहिए? दीपक हैज बीन वर्किंग. दीपक हैज बीन वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स इज करेक्ट. तो यहां आपने देखा बच्चों, ये पार्ट में एरर मिली हमें. ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं. He served as president of the Lions Club for 10 years. अब देखो यहां भी आ रहा है for 10 years. तो इसका मतलब ये हुआ, या तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, बट इसने क्या बनाया पास्ट इंडेफिनिट. तो आपकी जो एरर है यहां भी ए पार्ट में है. क्या करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए? देखिए ये जो सर्वड है ना, इसकी जगह कर दो ही हैज सर्वड. ही हैज सर्वड एज प्रेजिडेंट ऑफ द लॉयंस क्लब फॉर 10 ईयर्स. प्रेजेंट परफेक्ट में बन जाएगा, आपका सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल सही. ओके, और एक लास्ट सेंटेंस लेते हैं आज का. ये देखिए ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये एक बुक का नाम है, डिकेंस की है. ग्रेट एक्सपेक्टेशंस ऑफ डिकेंस, ये देखिए नाम भी लिखा है. प्रेजेंट यूनिवर्सल थीम्स फॉर ऑल ऑफ अस टू कंसीडर. जो डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस थे, नॉवल लिखते थे, उनकी एक नॉवल है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, जो कि प्रेजेंट करती है यूनिवर्सल थीम्स फॉर ऑल ऑफ अस टू कंसीडर. हमारे सामने प्रेजेंट करती है क्या. तो एरर कहाँ है? एरर यहाँ है जी, ये प्रेजेंट डेफिनेट है, तो प्रेजेंट का हो जाएगा प्रेजेंट्स. ए पार्ट में एरर है, प्रेजेंट्स करेक्ट, क्योंकि ग्रेट एक्सपेक्टेशंस एक बुक का नाम है. अगर ये दो बुक्स होती तो फिर प्रेजेंट सही होता. जैसे हम कहते हैं आई गो यू गो एंड ही गोज, राम गोज, राम एंड श्याम गो होता है ना, तो ये हो जाती है एरर. बट यहां पर ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने देखा ये एक बुक का नाम है और यहां पर हमने प्रेजेंट्स किया, आपका सेंटेंस हो गया सही. ईमानदारी से बताइएगा, हमने 10 क्वेश्चंस को भी लिया, 10 सेंटेंसेस में एरर फाइंड आउट की, नो एरर तो फिलहाल कहीं पर भी नहीं मिली हमें, सभी में एरर थी. तो आप चाहे तो हमें कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि 10 में से आपके कितने सही थे. ईमानदारी से बताइएगा, ऑनेस्टली हैव टू रिप्लाई एंड कमेंट, कि 10 में से आपके कितने आंसर सही थे जो आप सोच रहे थे, और जहां गड़बड़ थी आज आपको उसका आंसर भी मिल गया होगा. ठीक है, तो अब हम एक बार क्या करते हैं, जल्दी जल्दी पूरे प्रेजेंट टेंस को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है, कल हम मिलेंगे पास्ट टेंस के साथ शुरुआत करेंगे. एक बार रिवीजन कर लेते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं सभी को. ये देखिए जी, मैं शुरू से शुरू करता हूं. वो टेंसेस का चार्ट आपको दोबारा दिखाते हैं जो हमने प्रेजेंट में पढ़ा है. क्या पढ़ा जी हमने? हमने ये पढ़ा कि पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. इसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव केस, क्योंकि आई वी यू ही शी इट दे हु या एनी नेम, यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है. और ये जो नीचे लिखे हैं ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी अस यू हिम हर इट देम हुम, इन पे खत्म होता है. बीच वाले लाइन में लिखा है पजेसिव केस, जो पोजेशन दिखाते हैं. जैसे मैं कह रहा हूँ ये बुक है, तो आई क्या बोलेगा, माई बुक, वी के लिए आर बुक, यू के लिए योर, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, इट के लिए इट्स, दे के लिए देयर, एंड हु के लिए हुज. और सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है और इस पे खत्म होता है. ठीक है, फिर हमने देखा कि ये जो हमारा टेंसेस का चार्ट है, हमने अभी तक बच्चों प्रेजेंट टेंस कवर कर लिया है अच्छे तरीके से, पूरा बारीकी से. हमने देखा इतनी सारी क्लासेस इसलिए ली ताकि पूरा बारीकी से हमने इसे खत्म किया. हमने इंडेफिनिट किया, कंटिन्यूस किया, परफेक्ट किया और परफेक्ट कंटिन्यूस किया. मैं आपको एक चीज फिर याद दिला रहा हूँ, आज हमें दो तीन एरर ऐसी दिखी जिसमें बच्चे कंफ्यूज लगे. किसमें? इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस, इस टेंस में और इस टेंस में क्या फर्क है दोनों में? दोनों में कॉमन क्या है? रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे. बट इसमें आ जाता है टाइम, और टाइम के लिए हम सिंस फॉर यूज करते हैं.
ठीक है, और ये है, अब अगर हम देखें पूरे प्रेजेंट टेंस में सिंस फॉर कहां कहां लगता है समय के लिए, तो वो इन दोनों में लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। कल हम जब मिलेंगे तो हमारी शुरुआत होगी यहां से, पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, कल यहां से हम अपनी शुरुआत करेंगे। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।